Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. एक रुपए का नोट आपको लखपति या फिर करोड़पति बना सकता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। यूँ तो कहा जाता है कि एक रुपए की कीमत एक रुपया ही होता है। अगर आप किसी को एक रुपए का नोट दोगे तो उसका एक रुपया ही माना जाएगा। लेकिन कुछ इस प्रकार के नोट भी होते हैं जो सामान्य नोट से बिल्कुल अलग हैं। इसलिए इन नोट की कीमत अलग से लोगों को मिल जाती है, या यूँ कहें कि मिल रही है। इस प्रकार के नोट को बेचने के लिए बोली भी लगाई जाती है। जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है इस प्रकार के नोट उन्हें मिल जाते हैं। जितने भी प्रकार की करेंसी है उस करेंसी का प्राइस अलग अलग है। यानी कि अगर आपके पास पुराने जमाने की कोई अलग से करेंसी है तो यहाँ पर उसके दाम आपको और भी ज्यादा मिल जाएंगे। राजा महाराजाओं के समय की करेंसी चलती थी और अलग अलग समय पर अलग अलग करेंसी चलती आई है। बहुत सारे लोगों के पास पुराने जमाने की करेंसी भी मिल जाती थी, इसलिए इन लोगों को बहुत बड़ी कीमत भी मिल जाती है। लेकिन वहीं कुछ लोगों के पास आज के समय के या कुछ समय के पहले के नोट हैं जो इनकी कीमत पहले की पुरानी करेंसी की अपेक्षा कम मिलती है, मगर फिर भी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। अगर आपके पास कुछ इस प्रकार का यूनिक नोट है जो या तो बंद हो चुका है या उस नोट का नंबर कुछ खास है, तो फिर आप इस प्रकार का ये नोट लोगों को buysaleunique.com पे जैसी वेबसाइट पर बेच सकते हैं जो नोट को इकट्ठा करने के शौक रखते हैं। इस प्रकार के नोट को वो लाखों रुपए की कीमत देकर खरीद लेते हैं। इसके पीछे कुछ और भी कारण होते हैं। बाहर के देशों के लोग भी इस प्रकार के नोट खरीद लेते हैं ताकि वो अपने टैक्स को बचा सकें। दूसरे देशों में इस प्रकार के कुछ नियम हैं, इसलिए वो भारत से कुछ यूनिक चीज़ें खरीदते हैं। अगर आपको अपने इस प्रकार के नोट को बेचना है तो आप ईबे या फिर हेल्प मी शर्मा जी जैसी वेबसाइट पर भी जाकर बेच सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल अमेजिंग वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.